नमस्कार, मैं डी पी आर, आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, तो आप सभी को पहले हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं मुद्दे की बात। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी भी पेमेंट आ रहा है और लगातार पेमेंट चल रहा है। इसमें यह कि पेमेंट हो रहा है, तो ये सैनिकों के लिए खुशखबरी है कि पेमेंट आ रहा है। और बहुत सारे जो मित्र हैं वो शिकायत कर रहे हैं, जैसे PNB का नहीं आया है अभी कहीं किसी जगह पर, और कहीं कहीं सिंडिकेट बैंक है उसका भी नहीं आया है, कहीं कहीं और भी बहुत सारी बैंक है जिनका नहीं आया है। तो आप लोग सब्र करें, इंतज़ार करें, सबका आने वाला है, सबका आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि बहुत सारे जो पेंशनर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि हम लोग अपना आधार अपडेट कैसे करेंगे। तो देखो, आप लोगों को जो साइड है स्पर्श की, उसमें सर्विस में जाना है, अपडेट आधार कार्ड पर जाना है, इंटर आपको PPO नंबर देना है, फिर यहाँ पर वेरीफाई प्रोसेस करना है। इसके बाद में आधार कार्ड का जो डेमोग्राफिक वैलिडेशन है, फील्ड का मैसेज है जो है, मैसेज है, तो उसको अगर बंद होता है तो उसको क्लोज करना है, फिर एंटर द आधार नंबर करना है। एंड आपने जो PDF बना के रखी है, जो PNG बना के रखी है आधार कार्ड की और पैन कार्ड की, वो यहाँ अपलोड करना है, और फिर मोबाइल नंबर देना है, एंड OTP सेंड करना है आधार कार्ड में जो डला हुआ है। और आधार नंबर में जो जो आधार में, देखो एक चीज़ याद रखने की, यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड में नंबर लिंक है, मोबाइल नंबर, वही यहाँ पर यूज़ करना है, दूसरा नंबर नहीं डालना है। आधार कार्ड में अगर नंबर नहीं है तो आप लगवा लो, फिर उसके बाद इस काम को करो। फिर यहाँ पर आधार नंबर अपडेट हो जाएगा सक्सेसफुली, और उसको फिर आप लोगों को एक नंबर मिलेगा, टोकन नंबर मिलेगा, उसको फिर आप स्टेटस में जाके चेक कर सकते हैं, और उसको भी आप 48 घंटे बाद चेक करें तो आपका ये आधार कार्ड नंबर आपके स्पर्श आईडी में जुड़ जाएगा। इसी तरीके से हम मेल आईडी कैसे जोड़ते हैं, इसकी वीडियो अगर चाहते हो तो आप लोग यस करिए, तो मैं वीडियो उसकी बना दूंगा कि हम लोग मेल आईडी और फ़ोन नंबर कैसे जोड़ते हैं स्पर्श में। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, करीब 26 लाख लोग यहाँ पर 20 जुलाई 2022 का स्टेटस बता रहा है, तब तक यहाँ पर ये यहाँ पर मोर देन बता रहा है, 26 लाख से अधिक यहाँ पर शामिल हो चुके। अभी यहाँ हम 21,12,774 पेंशनर्स इस वर्ष में यहाँ पर माइग्रेट हो गए हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, अगर हम कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, आप अगर जैसे माइग्रेशन नहीं कर रखा है या फिर आप गलत नंबर डाल रहे हो, तो इस तरीके का मैसेज आपके सामने आता है, तो आपको यहाँ पर पहले उसको कनेक्ट करना है, फिर लॉग इन करना है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, टोल फ्री नंबर, आप उस पर जाके बात भी कर सकते हो। वो हो सकता है एक आध दो बार ना उठाए, लेकिन बार बार करोगे तो मिल जाता है। देखिए यहाँ भी, देखिए महाराष्ट्र बैंक का भी यहाँ पर पेमेंट निकल के आया है। ये ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर सरकार पेमेंट नहीं कर रही है, पेमेंट दे रही है सरकार, ऐसा कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। देखो फेब 23 है, जुलाई 2 फेब 23, तो यहाँ पर तारीख क्या है आज की, आज तारीख तो आप लोग समझ लो, तो यहाँ पर फेब 23 में आ रहा है, 2023 में। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, आप लोगों को इस तरीके से मेल आईडी से भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से यहाँ पर मेल सेंड कर सकते हो, आप लोग मेल भी सेंड कर सकते हो, ग्रेवेंस भी कर सकते हो वहाँ साइड पर से जाके। कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये एड्रेस है पूरा, ठीक है ना, और मेल आईडी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, और टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आप लोग यहाँ पर DOPPW पे भी शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर एक साहब हैं यहाँ को कर्नल लंबा जी, वन मैन आर्मी, तो इन्होंने ये कहा है कि भाई यहाँ पर जो एक्स सर्विस मैन है उनको इस तरीके से पेमेंट मिलेगा। तो आपको पता ही है, फैमिली है, पेंशनर्स हैं या जो अवार्ड विनर्स हैं उनको 30/4/23 तक मिलना है, एंड 70 से पहले ही उनको यहाँ पर 30/6/2023 से पहले पहले मिल जाना है। अब देखिए यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है कि आपको, देखिए जैसे कोई भी दिक्कत आ रही है स्पर्श से, जन्म प्रमाण पत्र से, या किसी से भी, जैसे आधार कार्ड नंबर से, तो सबसे, तो यहाँ कुल मिला के देखिए ये 22 जगह हैं। आप लोग, मैंने जूम कर दिया, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेना, 22 जगह पर यहाँ पर शिविर लगेगा, मेला लगेगा स्पर्श की टीम का। तो डेट भी देखो यहाँ पर, 24 से 26 तक, 27 से 29 तक, ऐसे करके ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए आप यहाँ से, ओ आप लोग ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी कौन सी है यहाँ पर, CDA कर रही है, मेरठ प्रयागराज है, चेन्नई करे, तो इस तरीके से यहाँ पर ये मेला लगेगा, इसमें आप लोग शामिल हो सकते हो जाके। और ऐसे ही
स्पर्स जो टीम है वो पूरे ही भारत में इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन करने वाली है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग परेशान ना होइए, सरकार ने नई चीज़ लागू करी है तो उसका इंतजाम भी करेगी, किसी का अहित नहीं होगा। आप इस बात को अपने दिमाग में रख लो, आपकी न तो पेंशन बंद हो रही न कुछ भी हो रहा, अब कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। हो सकता है लेट लतीफ हो सकता है, वो घर घर आके सही करेंगे, क्यों करोगे? वो चीज़ यहाँ डिजिटली करी है, ऑनलाइन करी है, तो सब लोग उसको नहीं समझते हैं। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर आप लोग जो ग्रेवेंस देते हो इस तरीके से, यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे मिलता है, तो आप उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पर देखिए, और एक विशेष बात बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर ये जो धरना चल रहा है उसमें 3 मार्च में इस तरीके से यहाँ पर आपको ये लेटर जो समर्थन पत्र है वो लिखना है, और आपको जमा करके आना है अपना कलेक्ट्रेट में, जहाँ भी आपकी पहुँचो वहाँ जाके। ये बहुत अच्छा काम जी, सबका संघर्ष संगठन जो कमेटी है, इन्होंने बहुत अच्छी पहल करी है, और ये बहुत ही अच्छे बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मदद कर रहे हैं ये पेंशनर्स के लिए। बहुत ही अच्छी कमेटी है ये, और यहाँ पर इस तरीके से आपको संलग्न करना है इसको, और ऐसे करके ये आप लोग, मुझे लग रहा है कि 3 तारीख को बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, और यहाँ पर हो सकता है 3 तारीख के बाद में सरकार बात मान जाए और फिर ये धरना बंद हुई हो सकता है, समझ रहे हैं? अब यहाँ प्रभात जी हैं, उन्होंने कहा है कि भाई इससे हमको जजमेंट जो मिला है SC से उससे हम खुश नहीं हैं। उन्होंने तो वही बात कर दी जो यहाँ पर सरकार ने कर रखी थी। एक भी यहाँ पर चीज़ और निकल के आई है, क्योंकि एक कर्नल साहब है, उन्होंने कहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर न तो 2019 वाली ORP का वायदा किया, न 2.6 का जो मल्टीपल इंस्पायर ऑफ गजेज था वो फॉलो किया, न नोटिफिकेशन जो 1/4/16 का था उसको भी लागू नहीं किया, NFAU फॉर्म जो 1/6/2004 का होना था वो भी नहीं यहाँ पर उन्होंने लागू किया। फ्रेंड्स, यहाँ पर गवर्नमेंट हैज़ नो मनी, 109% इंटरेस्ट और डिलेड पेमेंट आफ्टर 15/3 आर बाबूज रनिंग नेशंस सोल्जर्स एंड वेतन्स मनी नो, कुछ भी नहीं इनके पास है नहीं, इसलिए इसमें ये इस सारी चीज़ें चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, कोई भी अगर और परेशानी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, जिससे कि ये सारी खबरें सबके पास पहुँच जाया करें। कोई भी गलती होती है तो क्षमा किया करो, क्योंकि मैं आपका छोटा भाई और बेटे के समान हूँ। तो आप सभी को फिर एक बार हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपसे फिर अगली वीडियो मिलूंगा, आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी इच्छा के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, राम राम।